Yes, we are live now. Hello friends, this is S.K. Thakur from Sankalp Education, Patna. बच्चों लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपको कोई वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम की मैंने डिस्कशन किया था। ओके, उससे पहले मैं कल की क्लासेस में डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम के डिस्कशन मैंने किया था। कुछ क्वेश्चन आपको दिखाया था डिविजिबिलिटी से रिलेटेड, आपको डिविजिबिलिटी के रूल मैंने बताया था, उसके बाद उस पर क्वेश्चन दिखाया था। उससे पहले वाली क्लासेस में आपको बताया गया है कि ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्रिकल टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उस टाइप की क्वेश्चन को डिस्कशन करके बताया गया है। उसमें हम लोगों को रिलेटेड क्वेश्चन चेसबोर्ड वाले बताया गया है और मेन डायग्नोसिस कैन बी फॉर्म फ्रॉम द पॉलीगन ऑफ एन साइडेड व्हिच इज बताया गया है आपको। उससे पहले आपको मैक्सिमाइजिंग एनसीआर के बारे में बताया गया है। उससे पहले कि अगर बात करोगे बच्चों, तो मैंने आपको एक मेथड बताया था स्ट्रिंग और गैप मेथड, उसमें हम लोग क्वेश्चन को देखे थे और इससे उसी में हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था कमिटी प्रॉब्लम। अगर आपको कोई कमिटी कर बनाना है तो उस टाइप की क्वेश्चन को मैंने आपको डिस्कस करके दिखाया था। ओके बच्चों, इतने के बाद हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जा रहे हैं बॉयज और गर्ल्स प्रॉब्लम। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स दोनों होगी तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बॉयज गर्ल्स बोलो और इंजीनियर और डॉक्टर बोलो, तो उस तरह की क्वेश्चन होगी। यहाँ पर देखो, अब हम लोग क्वेश्चन की टाइप देते हैं गर्ल्स एंड बॉयज प्रॉब्लम। इस टाइप की क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखो, इसमें थ्योरेटिकल जो चीजें है ना, बहुत कम है। सारा चीजें कॉन्सेप्चुअल है और आप कॉन्सेप्ट को पकड़ करते हो, सिलेक्शन की प्रोसेस आपको पता है और अरेंजमेंट की प्रोसेस पता है, तो आपकी क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाती है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये बोला जा रहा है फाइव वाइज एंड फाइव गर्ल्स कैन बी सीटेड इन हाउ मेनी वेज। अब यहां पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देखो वाइज के जगह पर हम लोग डाल सकते हैं इंजीनियर और यहाँ पर गर्ल्स के जगह पर हम लोग डाल सकते हैं डॉक्टर, कुछ भी डाल सकते हैं। कह रहा है क्या, पांच लड़का है और पांच लड़कियां हैं, कैन बी सीटेड, वह बैठ रही है, कितने तरीके से बैठी है, हाउ मेनी वेज, तरीका पूछ रहा है, नंबर ऑफ वेज की बातें कर रहा है। अब इसमें पहली क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि when two girls wants to sit together क्या जिसमें से दो गर्ल जो है ना एक साथ बैठना नहीं चाह रही है। नो टू गर्ल, दो गर्ल एक साथ बैठना नहीं चाह रही है। तो बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने वोवेल कंसोनेंट वाले टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो गर्ल एक साथ एक ही कंडीशन पर नहीं बैठेगी,
जब हमने एक लड़के को बैठाया, दूसरे लड़के को बैठाया, तीसरे लड़के को बैठाया, चौथे लड़के को बैठाया और पांचवें लड़के को बैठा दिया। पांच बॉयज को मैंने अरेंज कर दिया और हर बॉयज के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पर एक स्पेस है, दूसरी स्पेस है, तीसरी स्पेस है, चौथी स्पेस है, पांचवी स्पेस है और छठी स्पेस है। इस जगह पर अगर हम बॉल्स को अरेंज कर दे तो दो बॉल्स एक साथ नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों को बॉयज को बैठाना, पांच बॉयज है, पांच जगह पर बैठाया, उसके लिए नंबर ऑफ प्लेज कितनी होगी, फैक्टोरियल फाइव अरेंजमेंट। और यहाँ पर छह प्लेस है लेकिन गर्ल्स है तुम्हारे पास पांच, तो छह जगह में से पहले तुमने पांच जगह को सिलेक्ट किया और उस पांचों गर्ल्स को फिर अरेंज कर दिया। या तुम इस पूरे के जगह पर डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ये तो फैक्टोरियल फाइव बॉयज के लिए हुई और ये छह जगह में से पांच जगह पर अरेंज करना, इसको तुम सॉल्व कर दोगे, तेरे क्वेश्चन की सॉल्यूशन हुए। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी बोला जाता है, फाइव इंजीनियर्स एंड फाइव डॉक्टर्स कैन बी सीटेड इन अ रो, इन हाउ मेनी वे बोथ टू डॉक्टर्स आर नॉट सीटेड, कारण कितने तरीके से दो डॉक्टर एक साथ नहीं बैठेंगे, कितने तरीके से दो इंजीनियर एक साथ नहीं बैठेंगे, यही हो जाएगा आंसर हम लोगों को। ओके, आई होप this question is clear, okay? दूसरी क्वेश्चन इसी में हम लोग निकालते हैं, कह रहा है क्या मेन वाइज और गर्ल्स व्हेन वाइज और गर्ल्स वांट टू सी अल्टरनेट, वांट टू सी अल्टरनेट, कर रहे क्या बॉयज और गर्ल्स अल्टरनेट बैठेगी। देखो बच्चे, अल्टरनेट बैठने के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो होगी, दो पॉसिबिलिटी होगी, दो पॉसिबिलिटी होगी, एक तो पॉसिबिलिटी होगी बॉयज गर्ल्स, बॉयज नंबर टू गर्ल्स नंबर टू, बॉयज नंबर थ्री गर्ल्स नंबर थ्री, बॉयज नंबर फोर और गर्ल्स नंबर फोर, बॉयज नंबर फाइव और गर्ल्स नंबर फाइव, ये होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी गर्ल्स आएगी पहले बॉयज बाद में, इस तरह से होगी गर्ल्स नंबर फाइव बॉयज नंबर फाइव, तो ये होगी। तो ये दो कंडीशन है, तो दो हो गया, बॉयज को बैठाने के लिए फैक्टोरियल फाइव, गर्ल्स को बैठाने के लिए फैक्टोरियल फाइव, अल्टरनेट में क्या होगा, यही कंडीशन होगी, दो बार होगी, दोनों प्यार करेंगे तो दो से प्रोडक्ट करने पर ये जो आंसर आएगा 2 × 120 × 120 2 × 140/0 नंबर ऑफ वेज कितनी हो जाएगी इसमें, ये हो जाएगी हम लोगों को। ओके, देखो क्वेश्चन जो है इसमें, क्वेश्चन में से क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं और आप इसे ध्यान रखोगे अच्छी तरीके से। ओके, एनी हो क्वेश्चन जो हम लोगों को है अच्छी तरीके से बननी चाहिए, अच्छी तरीके से बनेगा तभी क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी की तीसरी क्वेश्चन की ओर हम करते हैं। तीसरी क्वेश्चन का है क्या, व्हेन ऑल गर्ल्स, व्हेन ऑल गर्ल्स एंड ऑल बॉयज, एंड ऑल बॉयज वांट्स टू सिट टुगेदर, वांट्स टू सिट दो तरीके से
इसमें पांच कलर का है, कहीं पर कोई हो सकता है उसकी अरेंजमेंट फैक्टोरियल पांच, इसमें पांच अगर है उसकी अरेंजमेंट क्या होगी फैक्टोरियल पांच, हो गई क्वेश्चन की आंसर। चौथी क्वेश्चन इस पर निकल रही है व्हेन ऑल गर्ल्स डू नॉट वांट, व्हेन ऑल गर्ल्स डू नॉट वांट टू सिट टुगेदर, लड़कियां जो है एक साथ बैठना नहीं चाहती हैं, जब सारे लड़के एक साथ बैठना नहीं चाहती है तो क्या करेंगे, टोटल में से ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ये हम लोग कर देंगे। देखो टोटल हुआ हम लोगों को कितना, पांच बॉयज है और पांच गर्ल्स है, टोटल फैक्टोरियल 10 है, सारा लड़कियां एक साथ हो जाएगा तो उसकी क्या बनेगा, देखो यहां पर सारा गर्ल्स एक साथ हो जिसको हम जी से दे दिए, ये B1 B2 B3 B4 और B5 की अरेंजमेंट अपना जैसी हो, ठीक है, तो ये पांच हुआ गर्ल्स मिलके क्या हो गया फैक्टोरियल 6, लेकिन सारे गर्ल्स का अरेंजमेंट क्या होगा फैक्टोरियल 5, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गई फाइनली इस क्वेश्चन की आंसर। इसमें बच्चों मैंने चार क्वेश्चन दिखाया, उम्मीद है कि चारों क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर होगी, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। अब अगली टाइप की क्वेश्चन है स्टेशन और प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, स्टेशन प्रॉब्लम, स्टेशन वाली क्वेश्चन है, स्टेशन प्रॉब्लम में अगर प्लेटफॉर्म की बातें यहां पर किया जाएगा, इस सब की बातें किया जाएगा, क्वेश्चन जरा सा देखिएगा, क्वेश्चन यहां पर हम आपको डालते हैं, कह रहा है क्या एक ट्रेन है, ट्रेन है 12 स्टेशन, इन अ रूट हैज टू बी स्टॉप्ड, हैज टू बी स्टॉप्ड एट 4 स्टेशन, स्टेशंस फाइंड नंबर ऑफ वेज, फाइंड नंबर ऑफ वेज इट कैन बी स्टॉप्ड, इट कैन बी स्टॉप्ड व्हेन Stopping station are consecutive. ये क्वेश्चन है बच्चों, देखना इस क्वेश्चन पर जो आपको समझने की चीजें है ना, कह रहा है एक ट्रेन है 12 स्टेशन, एक ट्रेन जो है वह गुजरती है और 12 स्टेशन से होकर गुजरती है इन रूट किसी एक पार्टिकुलर रूट में, हैज टू बी स्टॉप 4 स्टेशन और उस ट्रेन को 4 स्टेशन पर रुकनी है, फाइंड नंबर ऑफ वेज इट कैन बी स्टॉप्ड व्हेन नो टू कंसेक्यूटिव स्टेशन आर two of stopping station are consecutive, देखो भाई यहां से लेकर के यहां तक एक रूट मैंने बना दिया 12 स्टेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेशन हुए, अगर ट्रेन हम लोगों को
रूप पर नहीं रुकनी है, इस रूप पर रुक सकती है, इस रूप पर रुक सकती है, इस पर जस्ट नहीं रुक सकती है, इस पर गैपिंग कर दे, इस पर गैपिंग कर दे, इस पर उसकी मन चाहे तो रुक सकती है। ओके, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम चार स्टेशन को रिमूव कर देंगे। कितने स्टेशन को रिमूव कर देंगे? इसमें से जिस स्टेशन पर रुकती है उस स्टेशन को रिमूव कर देंगे, तो बच गया मेरे पास आठ स्टेशन। कितने स्टेशन बच गया? आठ स्टेशन। अब हम लोगों को इसमें से गैपिंग देखनी है। आठ स्टेशन के बीच में कितनी गैप होगी? आठ स्टेशन के बीच में गैप जो होगी ये नौ गैप हो जाएगी। जब नौ गैप हो जाएगी, अब हम लोगों को उस चार पर रुकनी है। नौ गैप में से कितनी गैप को सिलेक्ट करना पड़ेगा? चार गैप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम पूरा सा आपको लैंग्वेज में आपको टर्म डाल देता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। आंसर जो इसकी बनेगी उसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट रिमूविंग फोर स्टेशन, फर्स्ट रिमूविंग फोर स्टेशन रेस्ट एट स्टेशन लेफ्ट स्टेशन लेफ्ट in which we have nine gap. So from gap kitna aa jayega? Nine. If we put four stopping station in the nine gap, then number of two station will be consecutive. So number of waves कितना हो गया? 9C4 हो गया। Okay बच्चों, तो अब देखो मैं और ये अब किसी को दिक्कत है तो और हम इसको क्लियर कर देना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए? 12 स्टेशन था, में से चार स्टेशन पर स्टॉप हो रही है उसको हटा दिया। एक हुआ ये, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठा हुआ, सातवा हुआ, आठवा हुआ, एक गो गैप हुआ, दो गो गैप हुआ, तीन गो गैप, चार गो गैप, पांच गो गैप, छह गो गैप, सात गो गैप, एक इधर आठ गो गैप और एक इधर नौ गो गैप हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर आठ गो स्टेशन दिख रही है। जो गैप है, हर गैप में अगर हम चार गो स्टेशन को इन्वॉल्व कर दे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? तो कोई भी दो गो स्टॉपिंग वाला है और दो गो तो लगातार नहीं होगी। अगर मान लो हम गैपिंग में पूरा कर दे, एक गो हम इसमें पूरा कर देते हैं, यहाँ पर एक गो स्टेशन पूरा करते हैं, एक गो इसमें, तो स्टॉपिंग वाला क्या लगातार हुई? लगातार नहीं, इसके बीच में एक फोर नंबर आ चुका है तो लगातार नहीं हुई। तो टोटल गैप हमारे पास कितना बढ़ गया? नाइन गैप बढ़ गया। और नाइन गैप में से कई गो पर स्टॉपिंग था? चार गो पर था। तो नाइन में से हम लोग क्या सिलेक्ट कर लिए? चार सिलेक्ट कर लिए। तो यही है क्वेश्चन की डिमांड, आपको सॉल्व करके रखोगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। और आपको हर भूमि में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जहां पर आप बुक पलटेंगे उस बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि बेहतर क्वेश्चन है इसीलिए। ओके, अब देखो थोड़ा सा एक नोट पॉइंट हम यहाँ पर डालना चाहेंगे। पहले आप लोगों को बताया जा चुका है, फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इन एन ऑब्जेक्ट
if we do not want object consecutive, are objects consecutive, then number of which ये वजह n minus r plus 1 c r। अभी जो स्टेशन प्रॉब्लम में आपको दिखाया, हमारे पास 12 स्टेशन था, 12 minus r stopping plus 1 c r, ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। तो 12 में से 4 गया 8, 1 9, 9 c कितना बन गया 4। तो इस चीजों को आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके। और इसी की यूज आपको दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे मूव करते हैं। क्रिकेट टीम से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप सभी लोग आज के समय में क्रिकेट खेलते होंगे और मौसम भी जो है ना आजकल का वह क्रिकेट वाली ही है। क्वेश्चन में एक क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स ए टू के ओके, ऐसे लेकर के तक प्लेयर है। एज टू बी सेंट For batting, wants to bat after G, then number of batting order. If rest of player can do not any order, बाकी जो है प्लेयर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी ऑर्डर पर जाएगा बैटिंग करने के लिए। तो शायद आप लोग देखते होंगे कि क्रिकेट मैच ही हम लोग देखते हैं ना, अपने लोगों को क्या होता है, ओपनर है, ओपनर है रोहित शर्मा, सुशांत वर्मा, ये दोनों ओपनर हुआ। तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में जो है कि बैटिंग की ऑर्डर जो होगी ना, बार बाकी के लिए कुछ भी हो, ये इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो है ना, ये चाहता है कि वो जे से पहले खेले। तो ऑर्डर अगर देखोगे, ये जे से पहले खेलेगा, एक को पहले आना पड़ेगा, जे को बाद में जाना पड़ेगा। एंड जे जो है वांट्स टू बैट आफ्टर जी, और जे जो है किसके बाद खेलेगा, जी के बाद खेलेगा। तो ऐसा ऑर्डर हम लोगों को देखना पड़ेगा। जे जो है आफ्टर जी के बाद खेलेगा। तो ऑर्डर के एज में जी ये तीन है। तो ऑर्डर हम लोग बनाते हैं, वह क्या बनेगा देखना। ए पहले आया तो जी आना पड़ेगा, तभी ये ना जी होगा। ये देखो जे से पहले है, लेकिन जे जो है जी के बाद है। ए इज बिफोर जे एंड जी, जे इज आफ्टर जी, ओके। ये ए और जी हो सकता है जी पहले आए और जे इधर रहेगा, क्योंकि जी के बाद ही जे खेलेगा, उसके बाद ये कंपलसरी नहीं कि जस्ट बाद,
लेकिन ये हमेशा जैसे पहले आया बैटिंग करने तो ऐसा कंडीशन भी पॉसिबल है जी ए जे और कंडीशन आप लोग देखेंगे ये जे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा जे और इसको तो हम लोग छोड़े तो कंडीशन हम लोग को तीन को इसको छोड़ो कंडीशन हम लोग को तीनों प्लेयर के लिए कितने प्लेयर के लिए है ए जी और जे के लिए है ओके तो 11 प्लेयर में से हम लोग कितने प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया तीन लेकिन उसकी ऑर्डर क्या हुआ एक ये और एक ये दो ऑर्डर इसके लिए पॉसिबल होगा अब बाद बाकी आठ प्लेयर जो बचा होगा कभी आए खेलने के लिए वो सबको नाराज नहीं है कैप्टन जो कर है जिस नंबर पर उसी नंबर पर खेलने के लिए तैयार है तो इस क्वेश्चन की क्या हो गया ये हो गया आंसर पहले टोटल में से तीन को सेलेक्ट किया तीन को सेलेक्ट किया क्या किया क्योंकि इसी के ऑर्डर है ए जी और जे के बारे में आ रहा है तो उसी के ऑर्डर से सेलेक्ट हम लोगों ने कर लिया यहां पर ओके अब तीन को सेलेक्ट किया बस उसकी अरेंजमेंट हुई है उस तरीके से उसको अरेंज भी हम लोग कर लिया उस तरीके से अब ये रेस्ट के अरेंजमेंट करना पड़ेगा तो रेस्ट मेरे पास 8 है 8 के अरेंजमेंट फैमिलियल 8 हो गया क्रिकेट मैच से रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा तो उम्मीद है कि आप लोगों से अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए ये क्रिकेट से रिलेटेड हुआ अब थोड़ा सा हम लोग आएंगे वोट से रिलेटेड क्वेश्चन पर किससे रिलेटेड बात करेंगे वोट आप सभी लोग देखते हो वोट प्रॉब्लम देखो जिस चीजें से क्वेश्चन अरेंज होती है ना वे सारी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ किस किस तरह की क्वेश्चन अरेंज होती है ओके देखो क्वेश्चन आपकी ये है कह रहा है ए एट वुडेड word to be made from a crew crew okay of 11 members when three can only steer in how many ways the staff जिसमें से तीन को तो दिया है उसी के लिए
एसटीआर के लिए और आर्ट को दिया है इधर के लिए पब्लिक के लिए। अगर नॉट की फिगर पर देखोगे तो ऐसा फिगर बनेगा हेप्सागोन जिस तरह का होता है इस तरह का नॉट बन गया। मान लीजिए इसका एसटीआरिंग है, इस एसटीआरिंग में तीन दो सीट है भैया, बार बार की सीट ये इधर अरेंज करेगा, जैसे वो अरेंज करे उन पर डिपेंड है, जैसे वो अरेंज करे हम लोग नहीं जानते हैं। ये टोटल का वो सीट है, टोटल आठ वो सीट है, अब इधर का वो इधर का वो से हमको मतलब नहीं है, तो टोटल का वो हो गया 11 सीट में से तीन वो एसटीआर के लिए हो गया और पब्लिक के लिए का वो आठ। दो आदमी जो है ना इसमें इस आग में दो साइड सीट बनाया है, एक साइड इधर बनाया है और एक साइड इधर बनाया है, इस आग में से कह रहा है दो आदमी जो है सेम साइड में ही रहेगा भैया, दो आदमी सेम साइड में रहेगा, एक साइड में बार बार की कितना आदमी हो गया छह आदमी, तो इसकी अरेंजमेंट कैसे करेगा भैया। अगर एक साइड हम चार सीट दिए हैं तो चार सीट में से दो सीट हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया और उस दोनों आदमी की अरेंज कर लिया, बाद में की जो बच गया वो अच्छे तरीके से अरेंज हो जाएगा और स्टाफ तो एक ही हो जाएगा, तो ये थ्री सी वन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन की आंसर आ गया, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझने की क्वेश्चन है सिर्फ इस सब में, और आप समझ लिए तो बहुत ही अच्छी काम है, और उम्मीद है कि सभी बच्चों को क्वेश्चन सारा समझ में आना चाहिए। ओके, जो भी क्वेश्चन है चले अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अगली जो क्वेश्चन है अब लेते हैं थोड़ा सा अलग टाइप की क्वेश्चन, और ये टाइप क्वेश्चन होगी हमारे इंटरव्यू प्रॉब्लम। किस तरह की प्रॉब्लम होगी ये? इंटरव्यू प्रॉब्लम। इंटरव्यू प्रॉब्लम आप देखते होंगे, अगर कोई लोग इंटरव्यू देने जाता है तो उसकी इंटरव्यू किस तरह की होती है, खास करके आप लोग आज के डेट में सोशल नेटवर्किंग पर यूपीएससी के इंटरव्यू का आप देखेंगे तो चलते रहता है, उस समय आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं, इंटरव्यू टाइप की क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे? In how many ways? Interview of ten people can be made. Okay. पहली क्वेश्चन कह रहा है राम कम्स बिफोर श्याम। देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या रह गया, 10 लोग हैं, कितने लोग दिया हुआ है? 10 लोग दिया हुआ है, तो 10 को डब्बा बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 हो गया। अब राम हमेशा श्याम से पहले ही आएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, राम कम्स बिफोर श्याम, राम जो है श्याम से पहले आएगा, तो इसके लिए एक ही तरीका, अगर इसमें राम हुआ तो इसमें श्याम को आना पड़ेगा, कहीं पर कुछ हुआ इसमें तो सबसे पहले 10 जगह में से हम लोग 2 जगह को सिलेक्ट कर लिए, बट राम और श्याम की अरेंजमेंट एक ही तरीका होगी बच्चे, एक दो तरीका नहीं होगी,
एक तरीका ही होगी क्योंकि ये फिक्स है। इस दोनों का अपने अरेंजमेंट पर अगर श्याम पहले आ जाएगा आराम से, जो कि संभव नहीं है, असंभव नहीं है, तो एक ही तरीके से अरेंज होगी। अब बाल पांच की बचे आठ जगह और आठ आदमी को कितने तरीके से अरेंज कर देंगे फैक्टोरियल एक तरीके से। हो गया क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो इसी तरह की क्वेश्चन आपको इंटरव्यू पेपर में आती है। दूसरी क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं, कह रहा है कि राम कम्स बिफोर श्याम, राम कम्स बिफोर श्याम एंड श्याम कम्स आफ्टर मोहन, श्याम कम्स आफ्टर मोहन। देखो अभी मैंने हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखाया था कि हम लोगों को जो तरीका बनेगा ना, यहाँ पर कह रहा है राम कम्स बिफोर श्याम और श्याम कम्स आफ्टर मोहन, मोहन के बाद श्याम लेकिन उससे पहले राम, तो आर एम एस की कंडीशन बना। तो हमारे पास यहाँ पर 10 डब्बा है, 10 डब्बा में से कितनी डब्बा आपने सेलेक्ट किया, तीन डब्बा आपने सेलेक्ट किया और उस तीनों की अरेंजमेंट एक ही तरीका होगी। बारहवां की सात जो जगह पर सात आदमी को अरेंज कर दो, हो गया क्वेश्चन की बातें। ओके, अब इसमें हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कम्स बिफोर श्याम एंड मोहन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चलेंगे, तीसरी क्वेश्चन लेते हैं, राम कम्स बिफोर श्याम एंड मोहन का, राम जो है ना श्याम और मोहन से पहले होना चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, राम श्याम और मोहन से पहले। तो देखो 10 में से तो तीन को जगह चुन लिया, लेकिन इसको श्याम और मोहन के अरेंजमेंट दो तरीके से होगी, बाद में की सात को सात जगह पर अरेंज कर लिया, क्वेश्चन का आंसर आ गया। ओके, तो इस तरह की क्वेश्चन हम लोगों को इंटरव्यू प्रोग्राम आएगा। देखो सारा क्वेश्चन जो है ना कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, सिलेक्शन की बातें आपसे करेगा और उसी पर जा रहा है सारा क्वेश्चन। ओके, चलो अगली क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है ऑर्डर ऑफ इंटरव्यू, ऑर्डर ऑफ इंटरव्यू Among the six person bracket में three child and three men such that no child will be interviewed before his man, before his man. Okay, तो देखो सबसे पहले छह है, छह डब्बा हमने बना लिया। ओके, एक दो तीन चार, छह हो गए, छह में कर रहा है ना, कर रहा है कोई भी बच्चा आदमी से पहले इंटरव्यू नहीं देगा, पहले मैं होगा उसके बाद ही चाइल्ड होगा। तो अगर मैन को इसमें फिक्स किया तो चाइल्ड इसमें फिक्स कर सकते हैं, तो इस दोनों के अरेंजमेंट चाइल्ड शुरुआत में नहीं होगा, तो शुरुआत में जो होगा मैन होना चाहिए। तो सबसे पहले छह जगह में से दो जगह फिक्स कर लिया हमको ये सीक्वेंस के लिए। ओके, और इसके अरेंजमेंट एक ही होगा क्योंकि चाइल्ड तो पहले आएगा नहीं, हो गया ये। अब बच्चे ने चार जगह, चार जगह में से फिर हम लोग किसको सेलेक्ट किया, दो को सेलेक्ट किया, उसकी अरेंजमेंट कितनी हुई वन, फिर हम लोगों को दो जगह दो को सेलेक्ट किया, उसकी अरेंजमेंट वन, सिक्स सी टू पंद्रह होगा, पांच या पंद्रह, फोर सी टू छह होगा और टू सी टू वन होगा, पंद्रह छह के नब्बे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब आप लोगों को अगर दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो इसको आप फिर से देखिए। हम लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पर छह डब्बा दिया हुआ है,
तीन चार गुच्छे हो गया। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई भी चाइल्ड है, C1 C2 C3 चाइल्ड है, M1 M2 M3 मेन है, तो चाइल्ड जो है ना इंटरव्यू देगा मेन के बाद ही देगा। तो यानी सबसे पहले मेन होगा उसके बाद चाइल्ड, फिर मेन होगा उसके बाद चाइल्ड, फिर मेन होगा उसके बाद चाइल्ड। तो इस सीक्वेंस के लिए अगर मैं बात करूं, ये बैठे यहाँ और ये यहाँ बैठा दिया, तो छह डब्बा में से हम लोग दो डब्बा सेलेक्ट किया और ये इसी सेगमेंट से होगी, इसके लिए अरेंजमेंट हुआ। अब हम लोग M2 यहाँ पर आ गया और C2 यहाँ पर आ गया, तो फिर अब चारों का डब्बा बचा था ना, तो चारों का डब्बा में से दो और उसकी अरेंजमेंट एक, जो बचा हुआ है उस दो डब्बा में से दो उसकी अरेंजमेंट वन और क्वेश्चन की आंसर हुआ। यानी मेन और चाइल्ड क्या हुआ इस क्वेश्चन में, अल्टरनेट हो गई। मेन और चाइल्ड क्या हुई इस क्वेश्चन में, अल्टरनेट हो गई। और इस तरह की क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, ओके। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सारा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट में से बेस्ट क्वेश्चन है, ओके। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उस क्वेश्चन को, जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक क्लियर नहीं होने वाली है, ओके। और प्रैक्टिस करेंगे, जितनी क्वेश्चन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी बेहतर होगी। कहा है नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फॉर एट पीपल, फॉर एट पीपल इन अ रो इफ ए बी कम्स टुगेदर टुगेदर एंड सी ऑलवेज After D, देखो भाई कर है क्या लोगों को, आठ लोग है, एक दो तीन, ए बी एक साथ कर रहा है होगा, दो पांच दो सात एक आठ हो गया। तुम्हारे क्वेश्चन में जो कर रहा है ना, ए बी जो है वह एक साथ हो, comes together, ए बी एक साथ हो, तो एक साथ मैंने कर दिया, तो ये जहां एक इसकी क्वांटिटी हम लोग क्या करेंगे, एक करेंगे क्वांटिटी, तो तीन तीन छह एक सात, तो टोटल की अरेंजमेंट सात तरीका। इनटू क्या करनी है हम लोगों को, फैक्टोरियल दो करना है, दो क्यों करना है, तो ए और बी की अरेंजमेंट एंड सी ऑलवेज आफ्टर डी, सी जो है हमेशा किसके बाद होगा, डी के बाद होगा, तो इसमें टोटल है, उस दोनों के लिए डिवाइड टू से करोगे इस क्वेश्चन की आंसर हो गया। ये आप फैक्टोरियल सात किया हुआ तो लिख सकते हो ए बी को साथ में रखते हुए टोटल सात लोग की अरेंजमेंट, ये फैक्टोरियल टू अरेंजमेंट है ऑफ ए बी। ये फैक्टोरियल टू किसके लिए, अरेंजमेंट ऑफ सी और डी। सॉल्व कर दोगे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ओके। तो इस क्वेश्चन सब में आप लैंग्वेज को देख रहे हो, लैंग्वेज वाली ही टर्म है इस क्वेश्चन में, ओके। ध्यान रखना है ये सारा चीजें आपको, तभी आपका हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक कमिटी ऑफ फाइव एज टू बी चूजन फ्रॉम ग्रुप ऑफ नाइन पीपल नंबर ऑफ व्हिच इट कैन बी फॉर्म्ड इफ टू पार्टिकुलर पर्सन आइदर सर्व टुगेदर और नोट एट ऑल एंड टू अदर पार्टिकुलर पर्सन रिफ्यूज टू सर्व विद ईच अदर देखो क्या तुमको यहाँ पर क्वेश्चन में बच्चे कि हम लोगों को एक कमिटी बनानी है जो पांच लोगों की बनानी है एज टू बी चूजन फ्रॉम ग्रुप ऑफ नाइन पीपल टोटल लोग हमारे पास कितने नाइन हाउ मेनी नंबर ऑफ इज कैन बी फॉर्म इफ टू पार्टिकुलर पर्सन आइदर सर्व टुगेदर जब ये आइदर का बात हो गया तो इसमें हमेशा दो केस बनेगा मान लो हम लोग दो पार्टिकुलर पर्सन ए बी एक पर्सन ए है दूसरा पर्सन बी है तो ए बी को इंक्लूड कर सकते हैं और ए बी को क्या कर सकते हैं एक्सक्लूड कर सकते हैं इंक्लूड करेंगे तो हमारे पास देखो ए बी को जो इंक्लूड करेंगे तो सात पर्सन हो गया सात में से तीन या माइनस पांच में से एक निकाल दिया और ये सात में से पांच या माइनस क्या होगा पांच में से तीन निकाल दिया हो गया क्वेश्चन का आंसर मतलब इस क्वेश्चन को सोचना है दो जन हमेशा साथ आएंगे क्या होगा दो लोग जो है हमेशा साथ आएंगे इंक्लूड सर्व टुगेदर है सर्व टुगेदर इसीलिए साथ आएंगे और दो लोग जो है कभी साथ नहीं आएंगे अगर हम इसे ए बी लेते हैं तो इसे क्या ले लेंगे सी डी अगर ए बी आया साथ में तो दो लोगों को ऑटोमेटिक हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया दो लोग क्या कर लिया सेलेक्ट तो नौ लोग है जिसमें से दो निकल गया तो सात बच गया अब सात में से पांच की कमिटी है तो सात में से तीन सेलेक्ट कर लिया लेकिन छोड़ना किसको है एक सीडी वाले ग्रुप को तो फाइव सी वन वही ए बी को छोड़ना है और सी डी को लेना है ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन ओके जरा इस क्वेश्चन सब तुम लोग द्वारा द्वारा सोचोगे तभी क्वेश्चन बन पाएगा अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बन पाएगा बच्चे आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इस तरह की क्वेश्चन को ओके तभी आपकी काम हो सकती है चलो इसमें हम आते हैं और अलग टाइप की क्वेश्चन पर जरा सा टॉपिक बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन ऑन ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन
ऑन ग्रुप याद है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप मैंने आपको बनाया था ग्रुप में बांटना ओके देखो हम लोग क्वेश्चन से ही काम कर लेंगे इसकी क्वेश्चन देखना लिखते हैं करेक्ट नंबर ऑफ वेज इन वेज नंबर ऑफ वेज इन वेज टू टीम कैन बी टीम कैन बी मेड ईच कंटेनिंग containing two players from four people देखो यार कह रहे क्या हम लोग यहाँ पर number और distribution और division और group है कह रहे number of ways in which दो team can be made कितने तरीके से दो team हम लोग तैयार कर सकते हैं या बना सकते हैं Each containing दो player दोनों team में दो दो player कितने player हो दो player टोटल चार लोग हैं तो बच्चा सबसे पहले चार लोग में से दो लोगों को सिलेक्ट कर लिया दो टीम बनानी है और सिलेक्ट कर लिया इसमें डिवाइड हमको फैक्टोरियल टू से देना पड़ेगा क्योंकि दो टीम है और दोनों टीम में सेम है सेम वाली चीज से याद हो गया वो डिवाइड करते हैं परमुटेशन ऑफ एआई ऑब्जेक्ट आपको याद होगी और परमुटेशन ऑफ एआई ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने क्या किया था सेम वाले टर्म से क्या किया था डिवाइड याद होगी एक्स एक्स वाई वाई जेड अगर ये इसकी अरेंजमेंट कितना बनेगा टोटल पांच हुआ बट दो की फैक्टोरियल दो की फैक्टोरियल अरेंजमेंट ये होगी इससे सोल्व करोगे फोर सी टू फैक्टोरियल फोर बाय फैक्टोरियल टू इनटू क्या बन गया फैक्टोरियल टू बच्चे हो गए इस क्वेश्चन की आंसर हम लोगों की ओके तो इस तरह की इनपुट क्या होगा एक और फैक्टोरियल को आएगा ना एनसीआर की मतलब क्या होता है फैक्टोरियल यानी एन माइनस आर की फैक्टोरियल और आर की फैक्टोरियल और ये तो ऑलरेडी है हो गई ओके आंसर हो गई हमारे इस क्वेश्चन की ये तो बहुत ही इजी है ध्यान रखनी है अगर सपोज करो तुम्हारे पास तीन पीपल होता और इससे दो ग्रुप बनाना रहता और कहता क्या एक ग्रुप में एक लोग चाहिए दूसरी ग्रुप में दो लोग चाहिए तो डायरेक्ट तुम लिखना फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1 हो गए तुम्हारे क्वेश्चन की आंसर ओके अगर मान लो कभी चार लोग होता कहता एक और तीन का ग्रुप बनाने के लिए क्या लिखता फैक्टोरियल 4 बटा 3 की फैक्टोरियल और 1 की फैक्टोरियल चार लोग है और यहाँ पर दो दो को कर दिया तो फैक्टोरियल 4 बटा 2 इनटू 2 किया इनटू फैक्टोरियल 2 सेम ग्रुप की अरेंजमेंट तुम लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा ओके इसी पर हम लोग लिख सकते हैं एक फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्रुप जो होगी ये कितनी होगी टोटल एलिमेंट टोटल एलिमेंट की फैक्टोरियल बट्टा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट की फैक्टोरियल फिर एलिमेंट सेकंड की फैक्टोरियल इनटू 1 बाय नंबर ऑफ रिपीटेशन जितने बार रिपीट होगी उसकी फैक्टोरियल तुम लिख सकते हो और तुम्हारी क्वेश्चन क्या हो जाएगी सही हो जाएगी चलो आज आगे वाली क्वेश्चन में यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं तुम्हारे लिए कहा नंबर ऑफ वेज फोर और टू ग्रुप्स ईच कंटेनिंग इक्वल एलिमेंट
4 are 6 elements, 2 are 6 है, इक्वल एलिमेंट का मतलब हो गया 3 3 का लोगे, तो क्या होगा टोटल एलिमेंट की फैक्टोरियल बाय 3 × 3 × सिमिलर है दोनों, तो 2 की फैक्टोरियल हो गए क्वेश्चन की आंसर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर नंबर ऑफ वेज 4 are 6 y to be distributed distributed equally between Ram Shyam Ghanshyam। तो भैया देखो ये 6 है, Ram Shyam Ghanshyam में equal distribution करना, 2 2 2 करके डालोगे तो क्या होगा factorial 6 by 2 2 2 आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोगों को ये सब जो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अलग टाइप की क्वेश्चन को देखेंगे, मिक्स क्वेश्चन कुछ आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग रीअरेंजमेंट पर जाएंगे, लेटर इन मेलम वाली टर्म दिखाएंगे और इस तरह से मिक्स क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग कुछ ही, उसके बाद आपकी परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन की लेक्चर कंप्लीट हो जाएगी। ओके बच्चों, आज की क्लासेस को हम लोग इसी पॉइंट पर ड्रॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।